क्लास है क्या? 12 बजे? गुप्ता साहब, ओ गुप्ता साहब, गर्वित जी, बोलो जी। क्या कर रहे हो? नहीं, बैठे हैं बस कहाँ पे? अच्छा, रूम में। हाँ, सब के तो चल गया। ये काजल क्या कर रही है? कुमार सिंह देख रहा है? मजे ले रहा कुमान सिंह तो। अरे कुमार सिंह स्मार्ट कितना हो गया देखा तुमने? बस रेडी यार। सर पूछ रहे, आवाज आ रही नहीं आ रही? सर की खुद अरविंद की आवाज के नहीं आ रही? वही नहीं आ तो रही। बताया हेलो, मैंने तो। यस सर। सर नहीं आ रही फिर सर कभी आ रही आपकी? है? सर आवाज हेलो, नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी सर, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही सर आपकी सा वॉइस। गर्वित। हाँ यस, बोल बोल। अभी स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ क्या स्क्रीनशॉट ले गए? अटेंडेंस का कट कट के आ रही है सर आपकी? कट कट के आ सर रही बहुत है? धीरे आ रही है। निधि जैन प्रेजेंट, निधि जैन प्रेजेंट सर, निधि जैन चौधरी, श्रेया चौधरी, श्रेया चौधरी यू ऑल्सो प्रेजेंट। ये भी प्रेजेंट बोल रहा है यार। विनीत कुमार शर्मा प्रेजेंट सर। समोदा जी, प्रिंस। ओहो सर, मेरे को 18 ओहो, बजे आवाज आ रही है? हाँ सर, यस सर, आई आई सर, यस आज पर आप क्लियर हो गए आवाज? करो माय शरीफ। हेलो, थोड़ी बोल थोड़ी क्या होगी आ रही है सर। आवाज? क्लियर नहीं है सर क्लियर अभी नहीं भी। है। सर कर नहीं आप हमारी? सर हाँ सर, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही आवाज? एक मिनट। नीलेश बसेर, एयर नीलेश, नीलेश उर्वशी। अच्छा ये तो वही से ना, चित्तौड़ वाले। हाँ, शंकर सानी, तीनों
नवीन सिंह हेलो। हाँ भाई। हाँ सर आवाज आ रही भाई? हाँ सर आ रही है। यस सर। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। आज है ना सर काजल की आई हमारे को। तुम सब म्यूट हो जाओ ना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ओके ये ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग क्लियर। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग यस सर। ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग में क्या हो जाता है कि हम लोग जो रिंग फ्रेम से उनको बॉबिन मिलती है उससे हम लोग पोल बनाते हैं और उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द वाइंडिंग मशीन। ठीक है ना सर? आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो हेलो। यस सर वाइंडिंग मशीन आ रही है सर। आ रही है। अच्छा हो सकता है इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो। हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है। ठीक है नाउ। अरे कुमार सिंह कम टाइम पे आया क्या? आदमी कैमरा ऑन कर। कौन सी कंपनी में इंटरव्यू कर रहा है? सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ। क्या बात प्राण छोड़ दी रे तूने? नहीं नहीं क्यों लंबे जा रही है। हेलो ये वाइंडिंग मशीन का फिगर दिख रहा है आपको? नहीं सर कुछ खुल ही नहीं रहा है। एक मिनट सर। सर आप खोलो तो हम देखते हैं फिर। एक खुल ही नहीं रहा है। बाबा जी हाँ अभी दिख रही है फिगर आपको? नहीं सर। नो सर। सर नो सर। सर ओपन ही नहीं हुई अभी। सर नहीं दिख रही है। अरे कुमार सिंह क्या बता रहा है यार? समझ नहीं आ रहा है। सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ। थैंक यू भी छोड़ दो। ये फिगर दिख रही है आपको वाइंडिंग मशीन की? नो सर। सर ओपन करो तो दिखेगी। अरे कुमार सिंह लग फोन लेने दो तू, तेरे बस की बात नहीं है। ये फिगर दिख रही है आपको वाइंडिंग मशीन की? हेलो नो सर। नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही है ना? सर कुमार सिंह दिख रहा है। दिख रही है सर। ये कुमार सिंह दिख रहा है सर? ये कुमार सिंह एक लड़का पता नहीं क्या कर रहा है बिस्तर पे क्या पता नहीं क्या चल क्या रहा है इसका। कमटाने पे है किस पे है दानगी पे है? अरविंद डोंट लाफ अरविंद। शायद टंकी में उठा है। ये वाइंडिंग मशीन की फिगर दिख रही है आपको? हेलो नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है सर। एक दो नहीं हो रही सर। हेलो सर सब हेलो शो नहीं हो रही। हेलो माइक टेस्टिंग कर रही है सर। एक बार और खोलो। क्लास ले रहा है कुमार सिंह के साथ साथ। यस सर अब दिख रही है। दिख रही है फिगर? हेलो हाँ सर दिख रही है। हाँ हुकम अब दिख रही है। ठीक है ओह सर दिख रही है। ये फिगर है आपका बेसिक वाइंडिंग मशीन का। ठीक है और इसका हम यूज करते हैं आपका यूज करते हैं आपकी रिंग बॉबिन क्लियर। और मैंने आपको दिखाया था कल रिंग बॉबिन के ऊपर जो वेट होता है हमारा वो 80 ग्राम से लेकर 80 आवाज नहीं आ रही। और
तो ये आपका बेसिक फिगर है वाइंडिंग मशीन की, और इसके ऊपर यहाँ पर हम यूज करते हैं वाइंडिंग मशीन, और वाइंडिंग मशीन के अंदर ये हमारा होता है जो स्प्रिंग डिपार्टमेंट से हमको मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द रिंग बॉबिन, और ये रिंग बॉबिन के ऊपर जो वेट होता है हमारा वो 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में होता है, और इससे हम बनाते हैं आपका ये फोन बनाते हैं या चीज बनाते हैं, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, तो वी आर मेकिंग द चीज एंड कोन, और बेसिकली ये मशीन का नाम है रोटोकोनर वाइंडिंग मशीन, और अपना माइक बंद कर दे, अपने अपने माइक बंद कर दीजिए, और इसकी जो स्पीड होती है वो 500 मीटर पर मिनट से लेकर के 900 मीटर पर मिनट तक होती है, क्लियर? इस जो ये जो वाइंडिंग मशीन है इसकी जो स्पीड होती है आपकी वो 500 से लेकर के 900 मीटर पर मिनट तक होती है, और ये जो पार्ट्स हैं इसके ये बेसिक पार्ट्स हैं वाइंडिंग मशीन के, और दिस मशीन इज बेसिकली कॉल्ड एज द वार्प वाइंडिंग मशीन, और इसमें यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर ये होता है आपका, ये है आपका गाइड, जिसकी डिस्टेंस बॉबिन से गाइड होती है 1 इंच, ठीक है, और ये लिख लो ना आप स्क्रीन पर, स्क्रीन पर कुछ मत लिखिए, ब्लैंक करिए, आप स्क्रीन पर कुछ मत लिखिए, हेलो, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, हेलो, ये जो आपका वाइंडिंग मशीन है आपको क्लियर, ये कौन कर रहा है, आप सर आप एडिटिंग बंद कर दीजिए, सर आप एडिटिंग बंद कर दीजिए सर, इससे नहीं कर पाएंगे, हेलो, आप इसके ऊपर लिखिए मत बोर्ड पर, हेलो, हाँ तो हाँ अभी वाइंडिंग मशीन का जैसे मैंने कल आपको बताया था, अब जो आप अपने अपने माइक को बंद कर दीजिए, ये आपकी आपका बहुत डिस्टर्ब कर रहा, यू स्टॉप योर माइक, हेलो, इसके ऊपर जो मेन होता है आपका वो दैट इज कॉल्ड एज द रिंग बॉबिन, रिंग बॉबिन के ऊपर आपका कोन, और इसके अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है हमारा गाइड, और गाइड और बॉबिन की जो डिस्टेंस होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपका स्लेफोस के अंदर या सेवियो या मुरेटा वगैरह के अंदर ये 1 इंच से लेकर के या आपका 2 इंच या 3 इंच रखी जाती है, कारण इसका ये हो जाता है अगर इस डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, इस डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो टेंशन है यान का और बैलूज बनने लगते हैं, जिसकी वजह से यान हमारा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो जब हम मशीन को बनाते हैं तो उस समय जैसे अभी आप ये जानते हैं कि यू विल वर्किंग इन द टेक्सटाइल यूनिट स्पिनिंग और वीविंग, इसके अलावा आप मशीन मेकिंग के अंदर भी जा सकते हैं, जैसे आप स्लेफोस्ट है, सेवियो है, मुरेटा है, तो उसके अंदर आपको इन सब की नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है, तो हमारी जो फर्स्ट डिस्टेंस होती है बॉबिन से लेकर के, ये डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, हेलो, स्क्रीन पर मत लिखिए, तो फर्स्ट डिस्टेंस हमारी होती है दैट इज कॉल्ड गाइड से लेकर के बॉबिन की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारी होती है 1 इंच, ठीक है, और गाइड से नेक्स्ट डिस्टेंस होती है हमारी आपका ये आपका टेंशनर्स की, जो टेंशनर्स हमारा यूज होता है उसका मेन यूज होता है कि यान के अंदर जो आपके थिक प्लेसेस हैं, स्लब्स हैं, नेप्स हैं, इन सब को रिमूव करना होता है, अगर हम इन सब पार्ट्स को रिमूव नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो यान हमारा बनेगा वो खादी टाइप का आपका बन जाएगा,
ज्ञान के ऊपर आपके स्लब्स हैं और नेट्स हैं, ये स्क्रीन पर क्या लिख रहे हैं आप लोग? हेलो, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। हेलो सर, आप एडिटिंग बंद कर दीजिए। एक मिनट जी सर, उससे नहीं कर पाएंगे। ये तो बता बंद कैसे करनी है। हेलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्लास के अंदर पूजा मैम ने भी करी थी ना, पूजा मैम को पता है यार। हेलो, अरे जो भी कर रहा है बंद कर दो ना यार, क्या फालतू की बात है। पहले पढ़ना है, पढ़ो ना यार, खराब कर रहा है। ये कुमान सिंह है, पता नहीं क्या कर रहा है। लगा देंगे तुम्हारी यार। ये इसको स्क्रीन को क्लियर करिए, ये क्या लिख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर? हेलो कुमान सर, कोई बता सर, एडिटिंग कर रहा है सर। अरे कौन कर रहा है एडिटिंग? हेलो, अरे मान जो रहे, कौन कर रहा है ये एडिटिंग? कई चोरा है मावड़ी पागल है। कमलेश पता करना कौन कर रहा है भाई। कुछ पता नहीं है कौन कर रहा है, ये पता नहीं है। अरे कमलेश तू जा सर के पास। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर बोलो, आ गया। हेलो हेलो, ये स्क्रीन पर आप ये क्या लिख रहे हैं सर? सर कोई एडिटिंग करने में लगा हुआ है। कौन लिख रहा है सर? हेलो सर, ये एक एडिट का ऑप्शन आता है, इसको रिमूव कर दो। देख रहा हूँ सर, एडिट के ऑप्शन को रिमूव कर दो सर, नहीं कर पाएगा एडिटिंग। अरे कैसे करते ये मेरे को ध्यान नहीं है अभी। सर पूजा मैडम से पूछ लो, पूजा मैडम को पता है, पूजा मैडम ने भी किया था। एक मिनट एक मिनट, अभी सूरज सर से पूछ लो। एक मिनट एक मिनट, सर क्लास का आधा टाइम तो ऐसे ही चले जाता है। एक मिनट वेट करिए। क्या देख रहे हैं? सूरज सर को बोल दियो ट्रेस भी कर लेंगे कौन कर रहा है। कुमान सिंह क्या कर रहा है? पिछले तीन दिन से एक ही फोटो दिखा रहा है सर। कमटाने पे गया है, काम कर रहा है, मोबाइल रख के चले गया। फैक्ट्री में जाएगा, ये सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है वो। बेवकूफ सारा देख देख के जा रहा है, सब खानदान को दिखा रहा है ये। लगता है टंकी के अंदर बैठा है, टंकी के अंदर बैठा है। फोन को टंकी में रखा गया, इसने ब्रांच चेंज कर ली, सील कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, सर अभी व्यस्त हो रहे हैं। हेलो, हाँ सर। हेलो, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है सर? यस सर, हाँ आपकी परफेक्ट। हाँ सर बोलो। ये सर आ रही आवाज सर? ये अरे कॉलेज, हाँ हटा दे हटा दे हटा दे, जो भी है। हेलो, फिगर दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है। हेलो, यस सर, हाँ सर दिख रही है। यस सर, हेलो सर दिख रही है? सर दिख रही है, आवाज आ रही है, आवाज दिख रहा है। अरे मैं पूछने गया था, वो भी आ रही है। तो व्हाट हैपेंड, ये जो आपका रिंग बॉबिन होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका गाइड, नेक्स्ट होता है आपका यार्न टेंशनर। तो यार्न, फिर ये लिखने लगा, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पर?
हेलो यार बार बार निकल जा क्या पता सर क्या दिक्कत है यार इसके यार भाई रिकॉर्डिंग हो रही है पता चल जाएगा आराम मत करो भाई जो भी हो रिकॉर्डिंग हो रही है ने फर्स्ट पहले होता आपका रिंग बॉबिंग से गाइड गाइड से होता आपका टेंशनर्स ये डिफरेंट टाइप के टेंशनर्स आपकी वाइंडिंग मशीन पर यूज होते हैं जो आपके नॉर्मल मशीन होती है तो इसमें डेड वेट टाइप का होता है या रोटरी टाइप का होता है या कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है ये जितने भी आपके ऑटोकोनस मशीन है जो मैं आपको बता रहा था सिलेफ्रोस सेवियो मुरेटा इन सब के ऊपर जो ऑटो ये जो टेंशनर्स होते हैं दे आर फुली कंप्यूटराइज आपका जैसे ही यार का टेंशन इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपकी मोटर की स्पीड को जिससे मशीन चल रही है उसको कम कर देता है और उससे हमारा ये जो यार टेंशन है वो कंट्रोल रहता है अगर यार का टेंशन कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा जो पैकेज बनेगा कोन या चीज जो बनेगी तो उसके ऊपर अनइवन यार आपका वाइंड होगा और अनइवन यार वाइंड होगा तो उससे जो हमारा फैब्रिक बनेगा तो लूम के ऊपर हमारे ब्रेकेज वगैरह बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट होता है आपका ये स्लब कैचर। स्लब कैचर क्या हो जाता है कि ये आपका जो थिन प्लेसेस जो थिक प्लेसेस होते हैं यान के ठीक है ना मतलब जैसे स्लब आ गया नेप्स आ गए और ये आपके ये आपका थिक प्लेस आ गए यान के अंदर वो सब हमारे इन नेप्स के ऊपर आपके रिमूव हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे ये पार्ट होता है हमारा ये पार्ट कहलाता है हमारा स्लब कैचर। तो स्लब कैचर के अंदर क्या हो जाता है कि जैसे हम यहाँ पर थिकनेस फिक्स कर देते हैं स्लब कैचर के अंदर काउंट के हिसाब से यान का और जैसे ही आपका यान पास होता है स्लब कैचर से तो ऑटोमेटिक यान जो होता है ब्रेक हो जाएगा और मशीन आपकी बंद हो जाएगी और ये स्लब कैचर भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है आपका दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेड स्टॉप मोशन। दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेड स्टॉप मोशन। इसका मेन पर्पज होता है जैसे यान आपका ब्रेक होता है तो ऑटोमेटिक ये मशीन को बंद कर देता है अदरवाइज जो कोन होगा वो ड्रम के ऊपर वाइंड होता रहेगा और जो यान की क्वालिटी हमारी कोन के ऊपर है वो डैमेज हो जाएगी तो हम क्या करते हैं ये थ्रेड स्टॉप मोशन यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम मशीन को बंद कर देते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड मशीन्स के ऊपर हम ये वैक्सिंग यूनिट भी यूज करते हैं ये आपकी जो है दिस इज कॉल्ड एज द वैक्सिंग यूनिट। वैक्सिंग यूनिट क्या हो जाता है एक इंच या दो इंच का ड्रम होता है जिसके ऊपर आपका वैक्स वाइंड अप होता है और वैक्स जो होता है वो यान के ऊपर रैप अप होता जाता है इसकी वजह से आपकी जो हम जो वाइंडिंग स्पीड है वो हमारी बढ़ती चली जाती है ठीक है ना। अगर हम ये वैक्सिंग यूनिट को नहीं यूज करते हैं तो स्टैटिक चार्ज सिंथेटिक यान यूज कर रहे हैं तो सिंथेटिक यान के अंदर क्या हो जाता है कि हमारा स्टैटिक चार्ज डेवलप होगा जैसे हम पॉलिस्टर यूज कर रहे हैं नायलॉन यूज कर रहे हैं या एक्रिलिक वगैरह यूज कर रहे हैं तो अगर हम ये वैक्स यूज नहीं करते हैं तो हमारा स्टैटिक चार्ज इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि यान अपने आप ब्रेक हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम यान को यूज हम ये वैक्स की यूनिट को यूज करते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा ये जो मशीन है हमारी ये रैंडम वाइंडर्स है क्लियर। रैंडम वाइंडर्स इसलिए कहते हैं कि इस मशीन के ऊपर ये जो कोन होता है हमारा ये बैकलाइट का बना हुआ होता है और इसी के सरफेस में ड्रम के सरफेस में ये कोन आ जाता है और ये कोन हमारा जो है ये इसके सरफेस आने के कारण ये घूमने लगता है क्लियर। तो ऑलवेज इस जितनी भी मशीनें हमारी होती हैं ये हाई स्पीड मशीन ये सब ज्यादातर आपकी रैंडम वाइंडर्स होती हैं। अब कुछ जो मशीनें होती हैं हमारी जो जिसके अंदर सिल्क वगैरह हम यूज करते हैं जैसे सिल्क जो होता है कॉस्टली फाइबर होता है और उसके लिए हमारी जो वाइंडिंग मशीन होती है उसके ऊपर हमारे रिबन
रिवर फॉर्मेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। रिवर फॉर्मेशन क्या हो जाता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके अंदर एक साथ कई क्वाइल्स जो होती हैं वो एक ही प्लेस के ऊपर लेकर जाती है, पड़ जाती है 10 या 12 क्वाइल्स। और उस कारण ये हो जाता है कि जब हम उससे बीम बनाते हैं तो यार्न हमारा लूम पर हमारा वार्पिंग मशीन के ऊपर ब्रेक करता है। तो इसलिए ये सब आप ये जो सेवियो है, रेटा है, रोटोकोनर है या इनको हम कह सकते हैं, ये सब आपके रैंडम वाइटर्स होते हैं। अब कुछ होते हैं आपके या आपके जो सिल्क वगैरह या मस्टर्ड वगैरह में यूज होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द आपका प्रिसीजन बाइंडर्स। तो प्रिसीजन बाइंडर्स के अंदर हमारा क्या हो जाता है, प्रिसीजन बाइंडर्स के अंदर हमारा जो ये पैटर्न वगैरह होता है जो कोन के ऊपर बनते हैं वो बनना बंद हो जाता है। ये पैटर्न क्यों बनते हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। जब ड्रम की स्पीड और कोन की स्पीड हमारी बराबर हो जाती है तो एक ही जगह के ऊपर क्वाइल्स हमारी जो होती है ड्रम कोन के ऊपर ले होना शुरू हो जाती है। और ले होने की वजह से क्या होता है कि जब हम कोन से अनवाइंड करते हैं तो अनवाइंड करते समय पूरा यार्न एक साथ स्लप कर जाता है। तो दैट इज द डिफेक्ट इन द वाइंडिंग मशीन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये दीज आर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रोटोकोनर। और आपसे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर कि डिस्कस अबाउट द रोटोकोनर, तो आपको क्या करना है कि ये फिगर आपको ड्रा करना है, बॉबिन, गाइड, टेंशनर, स्लप टेंशन, रोटोकोनर। ठीक है, टाइम इज ओवर और नेक्स्ट टाइम आई विल बी टेकिंग द क्लासिफिकेशन एंड the defects in the yarn. ठीक है, कल जैसे आपने किया था वो स्क्रीन शॉट लेके अटेंडेंस आप भेज दीजिए। ठीक है, ओके सर। सर आज स्क्रीन वाला एडिटिंग बंद करवा देना। हाँ आज मैं देख लूंगा। ठीक ठीक ओके सर। अरे घर में तो वो ले, हाँ सर स्क्रीन शॉट लेकर के आप भेज देना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हेलो। ठीक है सर। अरे सर हाँ, माइक्रोफोन ठीक कराओ सर। ये वापस वीडियो देखनी हो तो कैसे देखें, वापस आपकी ये लेक्चर देखना हो तो? मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा। ठीक है ना। ठीक है सर, आप उसका लिंक शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। और सर ये कुमार सिंह को बाहर निकालो सर। अच्छा अच्छा।